जय श्री राम, अल्लाह हू अकबर, जय श्री राम। रोक लो, जान से मार देंगे ये। ये लोग इतना ज्यादा बेशर्म है, इतना ज्यादा बेशर्म है। अरे नरेंद्र मोदी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस देश से। माफी मांगो। हम उस राम को मानते हैं जिन्होंने आदर्शवाद की स्थापना की। हम उस बहरूपीय राम को नहीं मानते हैं जो इन्होंने बनाया है। अमित शाह का बेटा भगोड़ा चले, स्मृति ईरानी भगोड़ा चले, बेशर्म प्रधानमंत्री, रोजगार नहीं दे पाए, भीख मंगवाई। ये तानाशाही सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। केंद्र बैठा वो चौकीदार जो चोर है, उसको भी मालूम चल गया है कि ब्राह्मण मुस्लिम हिंदू सिख की पंचायत कराना बंद करके अब इंसान पे आ गए हैं लोग। अब हमारी दाल नहीं गलने वाली उत्तर प्रदेश में। देखिए, संकेत तो यही है कि इंसानियत जिंदाबाद और जनता की आवाज। ये जनता की आवाज थी जिसमें शासन डोल चुका है बाबा का। वो हमारी तरह है लेकिन बुद्धि नहीं है, हमारे तो बाल भी है उनकी बुद्धि नहीं है। और दूसरी बात, केंद्र बैठा वो चौकीदार जो चोर है, उसको भी मालूम चल गया है कि ब्राह्मण मुस्लिम हिंदू सिख की पंचायत कराना बंद करके अब इंसान पे आ गए हैं लोग। अब हमारी दाल नहीं गलने वाली उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात, इस बात की इतनी चर्चा क्यों? जब सर फोड़ रहे थे तब मालूम नहीं चला, जब किसानों के 600 किसान मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, तब मालूम नहीं चला। अरे नरेंद्र मोदी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस देश से। माफी मांगो कि अभी तुम्हारे दिल्ली में मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। राम ने कहा था मैं भगवान हूँ। भगवादारी, आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब राम, जय श्री राम के नारा लगा। हम उस राम को मानते हैं जिन्होंने आदर्शवाद की स्थापना की। हम उस बहरूपीय राम को नहीं मानते हैं जो इन्होंने बनाया है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक चीज कही थी कि जो जनता का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा। आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अब 5 किलो राशन ऐसे अल्लाह के नाम पे दो। बेशर्म प्रधानमंत्री, रोजगार नहीं दे पाए, भीख मंगवाई। आज कितने बच्चों ने स्कूलिंग छोड़ दी, कितने बच्चे कॉलेज छोड़ दिए, ऐसे मांग रहे अंबानी से, दे दो अंबानी, दे दो। क्यों अंबानी से मांगेंगे भाई? ये देश किसका था? ये देश हमारा है, मोदी का देश नहीं है। और ना मोदी देश है, जनता ने चुना है ना मोदी जी को। जनता चुना है तभी तो पाप किया है। सर पे बाल था हमारे जब आए थे, आज गायब होते चले जा रहे हैं। चिंता इतनी है, 10,000 रुपये लगा के पढ़ने जाओ, पकौड़ा तल लो। अमित शाह का बेटा पकौड़ा तले, स्मृति ईरानी भगोड़ा चले गए थे, थी अमेठी, राहुल गांधी की तारीफ सुन के वापस चली आई, वीडियो बंद कर दिया, 10 रुपये ही देंगे। ये तानाशाही सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। और जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है, आज इस सरकार को हम हाथ जोड़ कहते हैं इस्तीफा दे दो नरेंद्र मोदी जी। हमें आपसे और मीडिया सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेना पड़ेगा, ना देश की प्रधानमंत्री से लेना पड़ेगा। आप ढोंगी ये लग रहा भगवा बात पहले। हाँ तो आपने तो बाबा बैठाया ना, जो लासे कुत्ते से खिलवा के योगी बन के बैठा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही थी कलयुग में, और ना हो तो पढ़ ले मोदी जी, कि जो योगी रहेगा उसे जनता ढोंगी कहेगी, और जो ढोंगी बैठा है उसे योगी कहा जा रहा है। आप कलमा ही पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ते, ला इला इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अल्लाह अकबर के नारे से यहाँ इतना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। अरे आप भगवादारी है, आप यहाँ पे अल्लाह अकबर ला इला पढ़ रहे हैं? पैदा हुए थे आप लोग क्या हिंदू हुए थे या मुसलमान हुए थे? पैदा हुए थे हिंदू थे या मुसलमान थे? फिर बोलेंगे अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम। रोक लो, जान से मार देंगे ये। क्या करेंगे? इनके बस का नहीं है अब। दूसरी बात, हम जब पैदा हुए थे तो पहले इंसान पैदा होते हैं, बाद में मालूम चलता है हम हिंदू या मुसलमान। धर्म व्यक्तिगत मसला है, उसको अपने घर में रखिए, समाज में निकलिए, सामने वाला इंसान है, वो कोई भी जाति कोई वर्ग हो, आपको मदद करनी पड़ेगी, यही मानवता है और यही गांधीवादी विचारधारा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी घर में कितनी बार CBI NIA गई थी, और क्या बन के बैठे हैं वो? ये खरीदते हैं, ये जनता का पैसा खरीदते हैं। 54% वैक्सीन पे नहीं पता है, PM केयर फंड हाइट नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इतिहास रचना चाहते हैं। अरे आपने दाढ़ी हटा के देख लीजिए कितनी लाशें छुपाए बैठे हैं कोरोना में।
इन्होंने कत्ल किया इंसानियत का। जब लाश बह रही थी तब आप कह रहे थे ओ दीदी सबर वो बांग्ला की परिभाषा दे रहे थे बैठ के सुनार बांग्ला। अब सुनार भैया घर पे बैठा अंबानी अब बांग्ला हम बैठे लाओ 15 लाख लाओ। अरे आप 15 लाख जुमला था अमित शाह जी कह दिए तो अमित शाह से कहो कि वो भी जुमला बन जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा गृह मंत्री, जुमला बन जाए वो भी जुमला। 5 किलो राशन मिल रहा है मोदी जी के फोटो के साथ, इतने बड़े कपड़े में 20 किलो आ जाएगा देंगे। और तेल कहाँ, तेल कितने रुपए किलो है आप बताइए, तेल कितने रुपए किलो है? आप अपने रोजगार करके कहाँ से रोज पकौड़ा तले? अच्छा आप भी तलिए अच्छा ये बताइए एयर स्ट्राइक अटल जी के बाद दोबारा हुई है 26/11 में कांग्रेस सभी नेताओं ने इस्तीफा दिया था, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या कहते क्या है ओ इसको क्या तकलीफ मानो को क्यों मार डालोगे क्या? देखिए एक चीज तो आप जान लीजिए, ये लोग इतना ज्यादा बेशर्म है, इतना ज्यादा बेशर्म है कि मीडिया से कहते हैं हमारी तरफ से नहीं बोलोगे आपके ऊपर भी टीम पहुंच जाएगी अगर आप उनके खिलाफ बुलवा लेंगे तो। ये तो कहा जा रहा है, क्यों नहीं गई? टूलकिट का मामला आने से ट्विटर बंद कर दिया जाएगा? टूलकिट के मामले आने से संबित पात्रा को जेल हुई? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तालिबानी लोगों को ढूंढना है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं? तालिबानी लोगों को ढूंढेंगे, पहले ये बताइए कि आप तालिबान क्यों बना रहे हैं? मध्य प्रदेश में घसीटा गया SC ST को, बच्चियों का रेप होया, एक शब्द नहीं निकला देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। दिल्ली किसके अंडर में है? अब तो राज्यपाल के अंडर में है। अब केसेस कैसे बढ़ जा रहे हैं? 6 महीने के अंदर में 12,000 से ऊपर रेप हो चुके हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में साड़ी खींच दी जा रही है। क्या दिखा रहे हैं चिरहरन? क्या हाल हुआ था चिरहरन वालों का? एक भी नहीं बचा। यही कहता है धर्म कि नरेंद्र मोदी आपकी सत्ता इसलिए जाएगी क्योंकि आपने वो काम किए, ना महिला सुरक्षा दे पाए, ना रोजगार दे पाए, ना कुछ दे पाए। राफेल में घोटाला, नोटबंदी घोटाला, कुछ नहीं दे पाए। गजब बात कर रहे हैं आप, ये सुगुरु बना दिए। कितने लाख भर्ती निकली है? 2 करोड़ में, 4 लाख नहीं, अभी पूरे भारत में 2 करोड़ रोजगार निकालने पर साल। यूपी की बात करिए, यूपी से आप मोदी जी आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मनिर्भर। हाँ पकौड़ा तलने के तो भैया वो भी आत्मनिर्भर बन जाए, बने आत्मनिर्भर। वो तो पुलिस को आगे करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जासूसी कराते हैं। हेलो, हाँ क्या बात हो रही है? यही करते हैं और क्या करते हैं? और कोई काम आता है उनको? देश की सुरक्षा का मसला सिर्फ इतना है कि देश बिक चुका है। 2019 99 लाख करोड़, 2020 99 लाख करोड़, 2021 99 लाख करोड़, कितने लाख करोड़ रुपया है आपके पास? अब कितना रुपया आपने दिया है इंडिया को प्रचार के माध्यम से? आगे से कुछ नहीं किया।